क्या बीमारी थी? फिक्स मतलब फिक्स मतलब चक्कर चक्कर आते थे, अपने अपने घर जा रहे थे, चक्कर जा रहा थे। तो जब चक्कर आते थे तो ये बहुत बेहोश हो जाते थे, दिन में 15-15 बार बेहोश हो जाता थे। कितने दिन समय के बाद होश आता था? 15-20 मिनट बाद होश आता। और ये बचपन से ये बीमारी थी, तो इसका हमने इलाज कराया। इसका मतलब समझते हो, ये इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब है थोरे, जैसे मिर्की के थोरे पड़ते हैं, ये भाई साहब बेहोश हो जाते थे 15-15-20 मिनट, और दिन में 15-15 ऐसे थोरे पड़ते थे और 15-15-20 मिनट तक ये बेहोश रहते थे। इस सिस्टर का नाम ममता है और ये इनके हस्बैंड है इनके साथ, और इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। तो ठीक है, हम सुनते हैं पहले। हाँ, शुरू करो। ओके, तो सबको जय मसीह की। अभी इस समय हम शिमला में हैं। शिमला आपके गांव का क्या नाम है? नारथलक। तो इनके गांव का ये नाम है। तो आपका नाम क्या है? ममता है ना। तो इनका नाम ममता है और ये इनके हस्बैंड हैं। इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। अभी हम इस समय इनके गांव में हैं और इनके हस्बैंड की गवाही को हम सुनेंगे। उससे पहले हम इनसे सुनते हैं कि ये कैसे इन्होंने प्रभु को जाना। तो आप थोड़ा बताओ कि आपने कैसे प्रभु को जाना, थोड़ा बताओ। मैं फोन देख रही थी, तो मैंने फोन में यहोशुआ मिनिस्ट्री को देखा। फोन देख रहे थे, ठीक है। फिर मैंने वो मिनिस्ट्री देखी, तो मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, अपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। और उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया, मुझे कुछ पता। आप पहले भी इसके अलावा भी कई किसी चर्च में गए? मैंने पहली बार देखी। अब यूट्यूब पे यहोशुआ जी रॉबिन मिनिस्ट्री की पहली अपने मीटिंग को देखा पहली बार, फिर आपने कॉल की, फिर आपने देखी, दो दिन मैंने देखी, दो दिन देखी, कितने लोग चंगे हो रहे हैं, कितने लोग चंगे हो रहे हैं। मैंने विश्वास किया कि जब इतने लोग चंगे हो रहे तो हम भी ठीक, मेरे पति भी ठीक होंगे, है ना। क्या बीमारी थी इनकी? इनको फिट्स की प्रॉब्लम। फिट्स मतलब फिट्स मतलब चक्कर चक्कर आते थे, अपने आप गिर जाते थे, चक्कर जब आते थे। हाँ जी, तो जब चक्कर आते थे तो ये बहुत बेहोश भी हो जाते थे। दिन में 15-15 बार बेहोश हो जाते थे। कितने समय बाद होश आता था? 15-20 मिनट बाद होश आता। और ये बचपन से ये बीमारी थी, तो इसका आपने इलाज कराया? बहुत इलाज करवाया। कितना? बहुत, जितने बोला, पूजा पाठ भी बहुत करवाया, बहुत डॉक्टरों से चेकअप करवाया, पूजा पाठ भी किया, बहुत डॉक्टरों के पास भी लेकर गए, पर ये चंगे नहीं हुए। और फिर आपने ये वीडियो के द्वारा अपने प्रभु के सत्य को जाना। ओके, तो अभी ये बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने प्रभु के वचन को जाना। और अभी आपके हस्बैंड कैसे हैं? बिल्कुल चंगे हो चुके। अभी तो कोई फिट्स, कोई ऐसे कोई चक्कर तो नहीं आते, ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। ये बचपन से थी ना इन्हें बीमारी? आप कोई मेडिसिन तो नहीं देते? मेडिसिन दी नहीं, जब से प्रभु पे विश्वास किया तब से मेडिसिन लेते। पहले कितने साल से दे रहे थे? बचपन से खा। ये बचपन से खा रहे थे। और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 18 साल हो गए। ये बीमारी इनको बचपन से थी और आपकी शादी को 18 साल हो गए। और जब से आपकी आपकी शादी हुई तो आपके मन में नहीं आया कि मेरी शादी कैसे मनुष्य के साथ होगी? तो आता था ना, डर भी लगता था, अगर कुछ नहीं हो गया तो मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, है ना। तो ओके, थैंक यू, है ना। और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरी चारों तरफ इनके घर के आसपास पूरे पहाड़ हैं। तो अभी यहाँ पर प्रभु
मुझे लेकर आया और कुछ लोग मेरे साथ हैं, और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ क्योंकि हम तो घूमने के लिए आए थे और परमेश्वर की बड़ी चाहत थी कि हमसे मिले, और ये सारा कुछ प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। और आज अभी हम इनके घर में हैं और प्रभु ने बड़ा अनुग्रह कर दिया इनके पति है। ये कितना टाइम हो गया अभी इन्हें आपको प्रभु में आए हुए? कितना टाइम हो गया? 2 साल पहले आपने ये वीडियो देखी थी? 2 साल पहले देखी थी। अब इन्हें अच्छे हुए कितना टाइम हो गया? अब तब से ठीक है। ये तब से ठीक है? नहीं, जैसे मान लो आपने 2 साल पहले देखी, बीच बीच होता था, अब चंगे हुए पूरी प्रॉपर कितना साल हो गया? 1 साल से ये बिल्कुल अच्छे हैं, अभी कोई फिट्स नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई दौरा नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं होता, है ना? ये पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं। तो ये प्रभु का बड़ा फजल हुआ है कि कैसे कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, क्योंकि इन्हें तो किसी ने सुसमाचार भी नहीं दिया, जे डायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम के द्वारा नहीं इन्होंने यहोशुआ रोबिन मिनिस्ट्री को देखा, और आज प्रभु इनके घर में लेकर आया, और आज हम इनकी गवाही अभी हमने सुनी है। तो इस गवाही के लिए, इन सब बातों के लिए हम सारा आदर और महिमा और जलाल उस खुदा के नाम को देते हैं जो सच में महान परमेश्वर है, वो वहां से भी इकट्ठा करता है जहां पर हमने भेजा नहीं है। तो इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं दिल से सबको। जय श्री तारीफ करो जोर से। धन्यवाद करांगा मैं तेरे यीशु ने छुड़ाया है, धन्यवाद करांगा मैं तेरे यीशु ने छुड़ाया है। Amen. Fits का मतलब समझते हो? ये इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब है दौरे, जैसे मिर्की के दौरे पड़ते थे, ये भाई साहब बेहोश हो जाते थे 15-15, 20 मिनट, और दिन में 15-15 ऐसे दौरे पड़ते थे, और 15-15, 20-20 मिनट तक ये बेहोश रहते थे। अभी आपने सुना कि इन्हें बचपन से ये रोग था। क्या था? बचपन से। और उस बहन की जब शादी हुई, अभी हमने सुना कि 18 साल तो उसकी शादी को हो गई, हाँ, पर वो इस चीज के लिए परेशान थी। सब कुछ डॉक्टरी इलाज सब कुछ कराया। बोलो क्या है? इनका एक ही बेटा है बस, और वो सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, पर परमेश्वर कितना महान है। बोलो क्या है? वो फोन देख रही थी, देखो किसी ने उसे बताया नहीं है, बस फोन रही थी, अचानक से परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री की इस वीडियो को आगे लेकर आए। जब इसने सुना, लोग गवाहियां दे रहे हैं, अभी आपने सुना ना, उसने कहा कि मैंने देखा लोग कैसे लोग चंगे हो रहे हैं, तो मैंने सुना कि अगर ये लोग चंगे हो सकते हैं तो मेरा पति भी क्या हो सकता है। फिर इसने देखना शुरू किया, फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की, प्रभु के सत्य वचन को समझा और भी सीखा। बोलो क्या है? जहां से शिमला कम से कम कितने किलोमीटर होगा जी? हाँ, 200, 250, 350 के करीब है ना? देखो कितनी दूर से प्रभु ने चुना, चंगा किया, ब्लेस किया है। बोलो क्या है? और आ ये सिस्टर लोगों को सुसमाचार दे रही है, वहां पे बहुत सारे लोग इसके द्वारा और भी आ गए। क्या आगे? और भी इसके द्वारा आगे। अभी देखो ये फोन से सिर्फ सुनते, यहां तो अभी एक बार भी नहीं आए। बोलो क्या है? उसकी वजह है क्यों नहीं आ पाए कि उस इनके जो ससुर जी हैं, सोरा साहब जो हैं, वो तांत्रिक हैं। बोलो क्या है? वो तांत्रिक है इनके। जब भी ये प्रभु का नाम लेती तो उसको भी प्रॉब्लम होती थी, उसने एक बार डांटा ये तुम क्या करते हो ये, हाँ, पर परमेश्वर महान है जिसे चुन लेता है। अभी ये सुसमाचार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग
इनके द्वारा आ गए हैं, और आने वाले दिनों में तो मुझे पता परमेश्वर बहुत ज्यादा अपने काम को बढ़ा देगा। हाँ देखो, यही खुदावंद का प्रेम है, बोलो क्या है, जो उसने हमसे किया है। उसने आपको क्यों चुना है आपने समझना है, इसलिए नहीं कि तुम बीमार हो। अगर तुम बीमार हो, तुम परेशान थे, तुम कर्ज के नीचे थे, तुम्हारे पास बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तुम्हारे घर में क्लेश थी, ये बात थी, वो थी, अगर परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया, चंगा किया, हाँ, तो तुम उस बात को लेकर बैठे मत रहो, दूसरों को भी बताओ। जैसे ये सिस्टर, इसका नाम ममता है, जैसे ये खुदा के सुसमाचार को फैला रही है, लोगों को बता रही है, समझ आ रही ना। अभी जब हम वापस आ गए तो इसके जो अपने रिश्तेदार थे, जो लोग और इसके द्वारा आए थे, तो वो बोल रहे थे कि आपने हमें क्यों नहीं मिलाया। तो उसने कहा वो एकदम से, इतना टाइम नहीं था उनके पास रुकने का। हाँ समझ आ रही है, पर मुझे इससे खुशी है कि परमेश्वर, अगर इसके पति को उसने आजाद किया है, फ्री किया है, तो सच में इस सत्य को वो समझकर अभी लोगों को बता रही है। जहां पे भी कोई मिलता है वहां पे ये सुसमाचार देती है, यीशु के बारे बताती है। वो सच्चा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो धर्म का नहीं है, समझ आ रही है। और परमेश्वर सबको यूज करना चाहता है। कितने लोग उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, हाँ, कितने लोग उसके लिए जीना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमीन।